व्हाट्स अप गाइस, आई एम सिद्धांत, यू आर वाचिंग सिद्धांत इंडिया। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं घूमने उदयपुर। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम रेडी हो रहे हैं और फिर फटाफट निकलते हैं। मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैं जल्दी हो जाता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखो इसका मुंह, देखो ये देखो, मम्मी स्टाइल मार दी है। जूते देखो मम्मी के, ये देखो। गरीब लोग चप्पलें पहनते हैं। हम गरीब। मेरी तो फिर भी अच्छी है, इसकी 150 रुपए की चप्पल। 150 रुपया मम्मी, ये देखो जूते देखो, इतने महंगे जूते। गाड़ी से महंगे जूते हैं। आज की ताजा खबर, ये हंस रही है बेवकूफ औरत, देखा हंस रही है, मजाक है ये। ये देखो फोन तोड़ दिया मम्मी का, बंद करो ऐसे थोड़ी दिख रहा है। ये देखो ये आईफोन के लायक ही नहीं है, इसको फिर कहती है आईफोन दिला दो। सारे फोन तोड़ देती है, खुद का भी तोड़ रखा है, ये मम्मी का फोन तोड़ दिया। शट अप, फोन तोड़ दिया। अभी सुबह इसको सही दिया। कभी आप अपने घर वालों के साथ आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या खाए, तो ये देखो ये खाओ, ये देखो ऐसा बाउल लाओ, ऐसा बाउल लाओ। ये हमारा कुत्ता भी इसी में खाता है। ऐसी फूड। चुप रहे, फोन तोड़ दिया मम्मी का। कहाँ से? फोन तोड़ दिया इसने। कहाँ से तोड़े? नहीं बता आपको, दिखा दा मम्मी। हाँ मैं गुस्सा नहीं करती YouTube पे। मम्मी दिखा दा। नया दिला देंगे, फोन ही क्या बात है। मैंने वीडियो बंद कर दी पापा, इसने फोन तोड़ दिया। एकदम इन्होंने बंद कर दिया। फोन तो दिखाओ एक बार जो तोड़ा है। हाथ गंदे हो जाएंगे, बताओ ऐसे थोड़ी दिख रहा है, पापा को दिखाओ ना। ये देखो तोड़ दिया इसने, सच में तोड़ दिया। वीडियो बंद नहीं होगी। ये संसार का नियम है, जो चीज बनी है वो टूटेगी अवश्य। अभी ये भी टूटेगी, वीडियो बंद होगी जब। दादी यहाँ भी अपना कुत्ता ले आई है, यहाँ इसको खिला दिया। पता है इसने फोन तोड़ दिया, इसने मम्मी वाला। पापा कुछ बोले ही नहीं वीडियो पे, कहते हैं टूटने के लिए बनती है चीजें। आप क्या कहना चाहेंगे, इसने फोन तोड़ा उस पे? है? कोई बात नहीं, पुराना तोड़ नहीं था। पुराना नहीं, नया, मम्मी का, अपना थोड़ी, मम्मी का तोड़ा है, उस पे क्या कहना चाहोगे? टूट गया तो अब नया मिलेगा। अब आईफोन लेना। क्या खा रहे हो? स्टार्ट से निकला, मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूं। ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही है, घर पे बैठे बैठे ब्लॉगिंग। यहाँ पे मूसली, ग्रेनोला और दूध पी रहे हैं। यहाँ पे ये अलग ही ब्रेकफास्ट चल रहा है इधर का। मैं खा लिया, बहुत गर्म दूध है। गर्म तो नहीं है ये देखो, ये अलग खा रहा है यहाँ पे मूसली। कहाँ पे रुके हैं? एक रेस्टोरेंट में। कहाँ पे रुके हैं? यही मिला सड़क पे, 3 घंटे चल के। ये एसी रूम है यहाँ पे, यहाँ पे महंगा रेट है एसी का, नॉन एसी सस्ता है। अब खा नहीं रही, अब खा नहीं रही, देखना सारा दिन खाती रहती है। खा रहे हो? दाल मखनी, तंदूरी रोटी मसाला पनीर, पनीर बटर मसाला। ये इधर मेरा ऑफिस चल रहा है, ये इधर मेहंदी लगवा रही है। दो फोन में लगा के बैठी है। तो भाई अभी यहाँ पे डिनर करा है, डिनर अच्छी जगह मिल गया है, लंच तो नहीं हो पाया था अच्छी जगह। उधर शीशी में भी आ रही है, यहाँ पे कोई नटराज होटल है, प्रमोशन नहीं कर रहे, बट खाना ठीक था। दाल इतनी अच्छी नहीं लगी, बट सब्जी ठीक थी और लेमन सोडा लिया साथ में, वो भी अच्छा था। आप कुछ कहना चाहेंगे? शट अप। दादी कैसा लगा आपको? रुको मैं नीचे लाता हूँ। कैसा लगा आपको? बढ़िया है, बढ़िया लगा। पहली बार करी है? पहली बार।
हैं? परी के बहाने पहली बार। सच में पहली बार करी है? पहली बार, कभी चढ़ी नहीं, डर लगता है देख के। आज लगा डर? हाँ डर तो लगा जब ऊँट खड़ा हुआ, उठा और बैठा तब, है ना। फिर भी मेरे को थोड़ा डर लग रहा था, मैं कहा कहीं बैलेंस बिगड़ा तो इधर उधर ना लटक जाए, पर सही आ रहा। सही रहा ना? हाँ दर्द होती है कमर में तो, बूढ़े लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे आए हुए फतेह सागर लेक, यहाँ पे ऐसे खाने का बना हुआ है, आगे जाके देखते हैं क्या है। यहाँ पे लेक है इधर बड़ी सी, तो अभी हम यहाँ पे आए फतेह सागर लेक, ये पीछे लेक है पूरी। और यहाँ पे एक एक्वेरियम भी था, मेरा कोई खास शौक है नहीं एक्वेरियम में, ऐसे ही बॉक्स से बने हुए और फिश है। यूट्यूब पे देखा पहले, मैं सोचा वो है अंदर पूरा लेक के अंदर लेके जाएंगे हमें, पर वैसे वाला था नहीं। और इसकी प्राइस है टिकट की 143 आई थिंक, 143 है ना, 143 प्राइस है इसकी, तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। तो भाई ऐसा था हमारा कुछ होटल का रूम था, और ये जितना भी गंदा पड़ा इसने कर रखा है। मम्मी आपका का रूम उधर है, तो यहाँ पे रूम टूर तो क्या कराऊँ इतना मैं भूल गया कल कराना जब साफ था तब तो, और अब मेरे को ध्यान आ रहा है अब रूम गंदा पड़ा है, ये देखो ऐसा हो रखा है। अभी हम निकल रहे हैं फटाफट, सुबह उठे हैं। ऐसा सा कुछ बाथरूम है यहाँ पे, ये पीछे नहाने का है। एंड लाइट जलाइयो, कहाँ आए लाइट, ये नहीं जली। लाइट नहीं पता इसकी कहाँ से जलती है, कल तो जली थी मेरे को। तो ऐसा सा बाथरूम है यहाँ पे, ऐसा सा बाथरूम है ये होटल हमें मिला था, मतलब हमने बुक तो सामने इसके है वो कराया था, बट जब हम यहाँ पे पहुँचे तो वो फोटो से बहुत अलग था। वैसे दिखा तो वो 4-star रहा था, पर ऐसा कुछ है नहीं उसमें 4-star जैसा। यहाँ पे पहुँचे तो फिर हमें सामने वाला एक मिला, हमने ये बुक करा लिया फटाफट। और बाकी जितने भी बढ़िया होटल है वो सारे यहाँ पे बुकड है, तो पहले से आओ तो एक दो हफ्ते पहले करा के आना। अभी हम जा रहे हैं घूमने, चले। पहले जब मैं यहाँ पे होटल देख रहा था मैं सोच रहा था एसी जरूरी हो, क्योंकि मैं घर पे यूज़ कर रहा था, बट यहाँ पे आए तो एसी की ज़रूरत पड़ी नहीं इतनी रात को, बस कल ही चलाया था थोड़ी देर। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं घूमने, यहाँ पे 12 पॉइंट्स है, वो आपको सारे बताऊँगा उदयपुर में कौन कौन से होटल वाले ने हमें बताया रिसेप्शन पे। एंड वो कह रहे हैं वहाँ पे कार जानी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि नैरो स्ट्रीट्स है और कंस्ट्रक्शन भी चल रही है कहीं कहीं पे, तो वो कह रहे हैं पूरे दिन का आप एक ऑटो ले लो, वो आपको पूरी सारे पॉइंट्स कवर करा देगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑटो ही जा सकते हैं नैरो स्ट्रीट्स है इसलिए, और उन्हें रास्ता ही पता होता है, फटाफट सारे घुमा लेंगे पॉइंट्स। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, और फिर आपको आगे जाके दिखाता हूँ पूरा उदयपुर कैसा है।